आज हम जहां हैं उसके भी जिम्मेदार हम, कल जहां हम होंगे दैट्स आवर कॉल, वो भी हमारा ही कॉल होगा, दैट्स गोना बी आवर टेक। पानी कहीं रास्ता नहीं बना सका, हम जिम्मेदार। और ये सियासतें गर्म हुई, हम हैंडल नहीं कर सके, हम जिम्मेदार। हम मनूवर और मैनिपुलेट करने का बल नहीं सीख सके, हम जिम्मेदार। दुश्मनों को दोस्त नहीं बना सके, हम जिम्मेदार। कम वक्तों में बड़ी रियासत नहीं खड़ी कर सके, हम जिम्मेदार। पहुंचे मगर वसाइल जाया करके आए, हम जिम्मेदार। पहुंचे खुद तो अच्छे तरीके से पहुंचे, कुंभे की तबाही फेर दी गलत स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की वजह से, हम जिम्मेदार। पहुंचे खुद को तो न्यूट्रलाइज किया जो डेंट पड़े हुए थे उस रस्ते के अंदर, मगर टीम का तस्किया नहीं किया, हम जिम्मेदार। दोस्त तो आए बाजू तो बने मगर लॉयल्स नहीं खड़े हो सके, हम जिम्मेदार। कोर तो खड़ी हुई मगर कोर के अंदर मुनाफकत आ गई, हम जिम्मेदार। लीडरशिप के अंदर मुनाफकत आ गई, हम जिम्मेदार। आगे गीत बिक नहीं सका, हम जिम्मेदार। शुरू में पैसा नहीं होता किसी भी स्ट्रगल के अंदर, पैसा हमारी तरफ नहीं खींचा, हम जिम्मेदार। हम कहीं और खींच गए, हम जिम्मेदार। वो हमें खींच के ले गई, हम जिम्मेदार। Wherever you are and wherever you will be, that was my topic actually. फैसला आपका है, फैसला आपका है। हालात जो भी होंगे, हालात बदले नहीं, हालात खराब हो रहे हैं, हालात आपकी फेवर में नहीं है, अल्लाह मौजे नहीं भेज रहा, जिंदगी में वो तगैयर नहीं आ रहा, यू एंड मी आर रिस्पॉन्सिबल एंड इट्स फाइन। आई मीन इट्स फाइन, दिस इज वॉट यू डिसाइडेड एंड आई डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ। तो ये एवरेज पे सेटल करना है तो फिर जिंदगी एवरेज होगी। दोस्त भी एवरेज, दुश्मनियां भी एवरेज, प्रॉब्लम्स भी एवरेज, जंगें भी एवरेज, फैसले भी एवरेज, और रिश्तेदारियां भी एवरेज, और इर्द गिर्द बैठे हुए कुएं में बैठा हुआ मेंढक काश अगर मगर चूंके चुनाचे। डिफाइंड इन ब्रादरीज एंड डिफाइंड इन कल्ट्स, डिफाइंड इन व्हाट पीपल वांटेड हिम टू बी। जहां उसको चैलेंज नहीं मिलता, जहां उसकी नफ्सियात को चैलेंज नहीं मिलता, वहां बैठने में पैर उखड़ जाते हैं एक इंसान के, जहां उसके मिजाज और नफ्स को चैलेंज फील होता, जहां उसका इल्म बिकता ना हो, जहां उसकी कदर होती ना हो, जहां उसकी प्यास की डिग्री को कोई कुछ ना समझता हो। ये अनकंफर्टेबल जोन, सल्तनत भी यहीं से बनेगी। इंजीनियर्स ने, अगर इंजीनियर्स में यारियां दोस्तियां रखनी है तो व्हाट्स द फन इन दैट मैन। अगर डॉक्टर्स ने डॉक्टर्स के साथ ही कंफर्म होना है तो व्हाट्स द फन इन दैट एज वेल। अगर आदमी ने वहीं बैठना है जहां उससे बड़े मस्करे नहीं बैठे हुए, और आदमी ने वहीं बैठना है जो उससे बड़े संजीदा लोग नहीं बैठे हुए, और आदमी ने अगर वहीं बैठना है जहां उससे काबिल पीएचडीज नहीं बैठे हुए, और आदमी ने अगर वहीं बैठना है जिंदगी के अंदर जहां उसकी नफ्स उसकी मोहब्बत को चैलेंज नहीं मिलता, जहां उससे ज्यादा हसीन लोग नहीं है, जहां उससे ज्यादा एक्चुअलाइज लोग नहीं है, तो ग्रोथ कैसे होगी एक इंसान की? कैसे एक इंसान ग्रो करेगा जब वो अपना इंकार नहीं करेगा? कैसे एक इंसान उस एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचेगा, अपनी सल्तनत को एक नामवर सल्तनत बनाएगा, अपनी प्रोडक्टिविटी को एक सिग्नेचर बनाएगा फील्ड में, जबकि वो वहां जाता ही नहीं है जहां उसकी नफ्स को सॉलिड डेंट्स पड़ रहे हो, मगर वो बैठना प्रेफर करता है वहां जहां उसकी अंदर की डरपोक कायर सुस्त कन्वीनियंट कंफर्टेबल जोन्स को वो यार लोग दोस्त मिल जाते हैं जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, नॉट दे उसको इतना चैलेंज ना करते हो वहां। आपने इश्क आशिकियों में वक्त जाया करना है, आपने फजूलियात में वक्त जाया करना है, आपको इन इन्फैक्चुएशंस को लव के फतवे लगाने का शौक है, इट्स योर डिसीजन। आपको लगता है कि इस टाइम पर ऑफ द ग्रिड जाके मैं थोड़ा सा जाया कर लूं, फाइन योर डिसीजन। लेकिन आगे जहां बड़े पट्टे होंगे फील्ड के अंदर, अगर चैलेंज लेना है तो वो ब्रीड जो यहां बैठी है ना जो अपना एहतराम करती है, वो क्रॉप जो यहां बैठी है ना जो इज्जत करती है अपना, वो हल्का नहीं लेगा अपने आप को इस टाइम। उसे पता है किताब खोलने से पहले भी गेम ऑन है, किताब के बाद भी गेम ऑन है। द वॉर नेवर एंड्स, द गेम इज नेवर ओवर। अभी जितना कलेक्ट कर लेंगे इस एज के अंदर, आगे क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ चल रहा होगा, बड़ा ड्रास्टिक चेंज लाइफ में होगा, तो शायद ट्रेनिंग का इतना टाइम ना हो, शायद रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी को कंफर्म करने का और बिल्ड करने का टाइम ना हो, शायद आगे संभलने का टाइम ना हो। मगर इस कायनात की खूबसूरती है कि तब भी रिवर्स हो सकता है जो खराब किया होता है, लेकिन अभी आपके पास एक वक्त है, अभी शुरू नहीं हुआ। अभी आप अपने एहसासात को, अपने इदराकात को, अपने अंदर की फीलिंग्स को, अपने जज्बात को, अपने जुबान के ऊपर ना अभी लिबास नहीं दिया है, इसलिए अभी आप चैलेंज नहीं हो रहे। लेकिन अगर कौम यूनुस की तरह पूरी बेंच यहां बैठ के आज फैसला कर लेना, नो वी आर नॉट एवरेज पीपल, मैं एवरेज चीज खड़ी नहीं करूंगा, प्रॉपर वक्त पे पहुंचूंगा, सारे रिसोर्सेज के साथ पहुंचूंगा, सारे वसाइल लेके पहुंचूंगा, अल्लाह को लेके पहुंचूंगा, दीन लेके पहुंचूंगा, माशरा लेके पहुंचूंगा, कायनात को एक कायनात बख्श जाऊंगा, मिजाजों को एक मिजाज बख्श जाऊंगा, और फिर आगे जाऊंगा और फिर हैंड ओवर करता जाऊंगा पीछे वालों को, लॉग फाइल्स देता जाऊंगा, रास्ते बनाता जाऊंगा, एंड दिस कैन हैपन। एंड इफ नॉट, फिर वो इंफरादियत जो बैठी है यहाँ पर, हर शख्स जो यहाँ बैठा है, मैं इसके जाहिर से बात नहीं कर रहा इस टाइम, आई एम टॉकिंग टू दैट पर्सन इनसाइड यू, यू द यू, एंड इट्स ऑल अबाउट यू, द यू दैट इज, ये जो ऊपर के कॉस्मेटिक वर्जन में छुपा हुआ यू, अंदर टूटा हुआ बिखरा हुआ रिजेक्टेड धुतकारा हुआ अकेला यू,
जो कमरे में बैठ के शीशे को कह रहा होता है, मिरर मिरर ओ टेल मी एम आई ब्यूटीफुल और नॉट, डू यू, हां, वो तन्हा यू जिसको सहारे लेने पड़ते हैं इधर उधर के अगयार की, इधर उधर के अगयार के शियार की, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, यू नो, अपने आप को पेश करने के लिए उसे कॉस्मेटिक वर्जन चाहिए होता है। किरदार नहीं, ख्वाब नहीं, सोच नहीं, जिगर नहीं, कलेजा नहीं, दर्द नहीं, डेप्थ नहीं, प्रोफंडिटी नहीं, एंड इट्स फाइन, दैट्स व्हाट यू सिलेक्टेड टू बी। फील्ड के बड़े पट्टे के आगे टिकना बहुत मुश्किल होगा भाजन, जो अपने आप से जंग लड़के आया होगा, जो अपनी गुरबत को एक्सेप्ट करके आया होगा, जो अपने पिंडों देहातों को एक्सेप्ट करके बैठा होगा, जो अपने अल्लाह को अपना आप दे के बैठा होगा, लोगों से गनी होगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा व तुका व लफाफा व गिना के तहत, वो गनी होगा लोगों से, डजंट मैटर। जब आप ऐसे पट्टे के साथ मुकाबला करेंगे सिस्टम में, जो लोगों से आजाद होगा, जिसके पास सबसे बड़ी दौलत उसका अल्लाह है, वो अपने माजी से आजाद है, अपने माजी से सबक आमोस हो चुका हुआ है, वो अपने मुस्तकबिल से घबराता नहीं है, वो अपने अंदर की कम्प्लेक्सिटीज को मुंह दे चुका, वो जानता है वो अंदर से कितना कमजोर है, वो जानता है, तस्किए का पहला स्टेप कर चुका है, मुहासबा कर चुका है, he has taken an audit of his own heart, वो जानता है कहां हसद है, वो जानता है कहां तकब्बुर है, वो जानता है कहां वो इंटिमिडेट होता है, वो जानता है कहां पर उसके अंदर कहां फैल जाता है। ऐसा शख्स फील्ड के अंदर आप पर हाकिम ही होगा, महकूम नहीं होगा भाई साहब। आपको एक दिन ये हलक में उतारना पड़ेगा, हाँ भाई ये हमसे ज्यादा काबिल है, ज्यादा पहुंचे हुए और ज्यादा बड़े लोग हैं। वहां पे अगर आपने कह दिया ना अना रब्बुकुमुल आला या अना खैरु मिनहू, ये दो बंदे जिन्होंने अना का, एक आसमानों के ऊपर इबलीस था, जमीन के ऊपर फिरौन था, हैं, खलकतनी मिन नार व खलकतो मिन तीन, अगर ये आपने उस वक्त कर दिया ना भाईजान, तो दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। और अक्सर लोग, मैंने यही देखा, जब उनके पास वाकई सुपरमैन आता है ना, जो कट मर जल के आया होता है, जो जंगे लड़के आया होता है, कौम के आगे पेश करता है अपने आप को, अक्सर लोग तकब्बुर में या इनकार कर देते हैं या हसद में खामोश होकर बैठे, शक्ल नहीं देखी नहीं इसकी। एटलीस्ट हैव द कर्टेसी कि अगर खुद कायर बना एक इंसान, खुद लिमिट लगाइए उसने अपने आप को, अल्लाह के साथ भी लिमिट में चल रहा है, अपने आप के साथ भी लिमिट में चल रहा है, लोगों के साथ भी लिमिट में चल रहा है, जंगे ही लिमिट में ली हुई है, चैलेंज ही लिमिट में करना है, दोस्तियां ही कन्वीनियंसेस पे हैं, रिश्ते ही कंफॉर्मिटी के साथ हैं, तो भजन उसके सामने कम से कम हम्बल और आजिज होना चाहिए इंसान को, जो कट मर के जो दे के आए होते हैं। वहां मिजाज दिखाना, वहां एटीट्यूड रखना, वहां अपनी वड्डो झाड़ना, दिस इज एक्चुअली वेरी अनएथिकल, आई वुड से ये गलत है।